नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा झांसी जिले में पुष्पेंद्र यादव के फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच करने के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारे संवाददाता ने बरेली में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जनक प्रसाद से बातचीत की। आपके जिलाध्यक्ष के मुताबिक अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ उमेश गंगवार की रिपोर्ट। मामला यह है कि जो पुष्पेंद्र यादव की शास्त्रीय हत्या हुई है, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं मदर जिलाध्यक्ष जी को, और हम चाहते हैं कि उसकी एक एसआईटी बना के, सीबीआई एसआईटी बना के, और जो अगर गलत हुआ है तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए और नाम बोलो पर जांच हो, जिससे जो प्रदेश में जनता में एक अविश्वास की भावना जागृत हो गई है कि हम सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हमें कुछ काउंटर किया जाएगा, वो भावनाएं एक प्रदेश में ना मिले आपको। क्योंकि हम तो उसी अंग्रेजी दौर में आ गए थे कि अगर हमने अंग्रेजों का विरोध किया तो आप प्रताड़ित कोड़े मारे जाएंगे और या फिर सुला दिए जाएंगे। तो हम लोकतंत्र बना रहे हैं या फिर राजतंत्र में जा रहे हैं, एक जनता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि हम लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं कि राजा के खिलाफ बात करना देशद्रोह हो जाता है। तो अब बहुत मुश्किल दौर में हमारा देश इस समय गुजर रहा है। तो आज का मुद्दा यही है कि जो है इसके खिलाफ एसआईटी जांच हो और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इनके लिए आम आदमी पार्टी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, आज के डेट में ये धरना प्रदर्शन आज दिया है, और हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो एक भावना खत्म हुई है सुरक्षा की, पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने की भावना खत्म हुई है, प्रशासन जो जो हत्या हो रही है उसको रोका जाए।